गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोडक्शन अड्डा में। तो डेट है आज की 5 नवंबर, और आज हम देखेंगे कल के यानी कि 4 तारीख के और आज के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लेते हैं इनके बारे में। पहली खबर है दुबई में जो COP28 का आयोजन किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, किसकी, UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, जिसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए गए थे, और उनके द्वारा इस प्रोग्राम में 2 इनिशिएटिव को लॉन्च करने की बात कही गई है। कौन कौन से हैं? ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव, एंड इसके अलावा लीड इट 2.0। तो लीड इट के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी खबर हमने, इसकी चर्चा हमने 2019 में सुनी थी, जब इसको लीड इट का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा। तो उसी का सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है COP28 में दुबई में। क्या है खबर? सेट टू बी लॉन्च बाय PM मोदी एट COP28 इन दुबई फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर। तो इस बीच में भारत के द्वारा भी जो 2 प्रोग्राम चलाए जाएंगे उनके बारे में बात है। पहला देख लेते हैं, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है ये? टू इंकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन ऑन वेस्ट लैंड एंड रिवर कैचमेंट एरियाज। तो जो भी डिग्रेडेड लैंड्स होते हैं या फिर जो भी वेस्ट लैंड होते हैं, उनमें कोशिश की जाएगी कि प्लांटेशन को, मतलब प्लांटेशन किया जाए, ताकि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको काफ़ी हद तक, कुछ हद तक कम किया जा सके। तो ये इसका मेन एम है। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन अक्टूबर अनाउंस द ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम, डिफाइनिंग इट एज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर एंड कंपनीज। तो इस, ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, इसी का जो आप कह सकते हैं, इसकी जो आधारभूत एक जो आइडिया था वो कहाँ से आया था? अक्टूबर में एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था भारत की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। क्या उद्देश्य था इसका? मेनली इसका उद्देश्य था कि जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर माह में अधिसूचित किया गया था। क्या काम था इसका? व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करना इसका एक उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं। इन दिस इनिशियल फेज इट विल फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन। मैंने आपको बताया था जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसका मेन मकसद क्या था? जल संरक्षण और वनीकरण को बढ़ावा देना। लेकिन जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव दुबई में लॉन्च किया गया, उसका मेन मकसद क्या है? जो वेस्ट लैंड है उन पर प्लांटेशन को बढ़ावा देना। द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो इसी पे बेस्ड है क्या? ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। आगे देख लेते हैं, लीड इट की बात कर लेते हैं। क्या है ये? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो मेनली इसका मकसद क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में जो एनर्जी फ्यूल का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको धीमे धीमे ग्रेजुअली जो क्लीन फ्यूल है उसकी तरफ ट्रांसफर करना, उसकी तरफ एनर्जी का ट्रांजिशन करना इंडस्ट्रीज का। कब से कब तक के लिए आया है लीड इट 2.0 का एजेंडा? 2024 से लेकर के 2026 तक। को होस्टेड बाय इंडिया एंड स्वीडन, और इन्हीं के द्वारा लीड इट प्रोग्राम को लॉन्च भी किया गया था 2019 में, क्लाइमेट समिट 2019 में जो हुई थी उसमें। COP28 के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है ये? UNFCCC का एक वार्षिक एनुअल समिट होती है हर साल COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, उसी का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? दुबई में किया जा रहा है इस साल। कब से कब तक? 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है।
अगली खबर है और वो भी COP28 से ही रिलेटेड है। क्या खबर है? लॉस एंड डैमेज फंड। इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो जितनी भी विकसित देश हैं या फिर वो इकोनॉमीज जिनका पर्यावरण को खराब करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में काफ़ी हद तक योगदान रहा है प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पर, तो उसकी वजह से जो गरीब कंट्रीज हैं या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जलवायु परिवर्तन के तौर पर। तो ये जिम्मेदारी बनती है उन अमीर देशों की कि कुछ डैमेज फंड उन जो गरीब देश हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। किस लिए? ताकि वो जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं उसके मिटिगेशन में उनको कुछ सहायता मिल सके। तो यही है लॉस एंड डैमेज फंड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 द फॉर्मेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड हैज बीन अप्रूव्ड। क्या हुआ है इसमें, मतलब कितने पैसे दिए गए हैं आखिर इसमें? तो टोटल इसमें $475 बिलियन इकट्ठा करने की बात कही गई है अमीर देशों के द्वारा। अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो $275 बिलियन इसमें यूरोपियन यूनियन देगी। इसके अलावा जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, इसके द्वारा इसमें $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? रिच एंड मेजर पॉल्यूटर कंट्रीज विल मेक अ फंड विच विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर कंट्रीज दैट सफर द हार्म ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो मेन योगदान किसका था पर्यावरण को प्रदूषित करने में? जो अमीर कंट्रीज है, जो एक टाइम पे अपने आप को उन्होंने अपने देश में उन्होंने इतनी इंडस्ट्री डेवलप की थी कि उसकी वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म पहुंचा था, लेकिन अब वो कंट्रीज चूंकि काफ़ी विकसित अवस्था में है, काफ़ी अमीर अवस्था में, तो वो इस जो जलवायु परिवर्तन है उनका सामना करने में सक्षम है। लेकिन जो गरीब कंट्रीज हैं जो इनका सामना करने में सक्षम नहीं है, तो ये अमीर देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको कुछ फंड अवेलेबल करवाएं ताकि वो भी अपने देश में इन समस्याओं का सामना कर सकें। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, आप सभी ने सुना होगा IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसी की एक कार्यकारी संस्था है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, उसके बारे में बात करी गई है। क्या बात करी गई है? इंडिया इज री इलेक्टेड टू IMO काउंसिल विद मैक्सिमम वोट्स फॉर द 2024-2025 अमंग द कैंडिडेट्स इन द कैटेगरी ऑफ 10 स्टेट्स। तो कुल जो वोटिंग हुई थी उसमें 160 कंट्रीज ने भाग लिया था, जिसमें से 157 वोट सिर्फ इंडिया को मिलते हैं 10 कंट्रीज के बीच में। ये एक तरीके से कंपटीशन था। कब से कब तक के लिए? 2024 से लेकर के 2025 तक के लिए इंडिया को इसके लिए रीअलेक्ट किया गया है। इंडियाज रीअलेक्शन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 10 स्टेट्स विथ द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉन ट्रेड। तो जो इंटरनेशनल जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है उसकी जो 10 कंट्रीज थी उसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा वोट दिए गए थे। कौन कौन सी कंट्रीज थी? अलॉन्ग साइड ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड UAE, इन सबको हरा करके इंडिया को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं इसमें। IMO के बारे में देख लेते हैं। शिपिंग को नियमित करने वाली UN की एक एजेंसी है, मेनली जो शिपिंग ट्रांसपोर्ट होता है उसके द्वारा जो व्यापार होता है उसको रेगुलेट करती है IMO। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। मुख्यालय इसका लंदन में है। कितने टोटल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसके IMO के? तो 175 इसके सदस्य देश हैं और 3 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। IMO काउंसिल की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये IMO की एक कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ IMO एंड इज रेस्पॉन्सिबल अंडर द असेंबली फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेनली इसका काम हो जाता है। अगली खबर है कंचन देवी जी के बारे में। क्या है? तो ये इंडिया की पहली महिला बन गई हैं, फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE। तो ICFRE नाम की जो संस्था है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काम करती है मुख्यतः, तो उसकी पहली डायरेक्टर जनरल बनी है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। कौन? कंचन देवी जी,
इसलिए ये खबर इम्पोर्टेंट हो जाती है। कंचन देवी जी के बारे में देखें तो 1991 बैच की ये IFOS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हैं। कौन से कैडर की? MP कैडर की, और वहाँ पर इन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम भी किया था। 30 साल का इनको एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट्री की फील्ड में। अगर ICFRI की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाती है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। हेडक्वार्टर इसके देहरादून में है। क्या काम है? जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर के मुख्य मुद्दे होते हैं उन पर राज्य सरकारों को या अदर स्टेक होल्डर्स को और केंद्र सरकार को सलाह देना इसका मेन काम है। ठीक है, कंचन देवी जी इनकी इमेज आप देख सकते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023, तो विश्व भर में मलेरिया की क्या स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रिलीज बाय WHO। क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं? तो मेन मुख्य बिंदु तो इसका ये होता है इंडिया के पर्पस में कि इंडिया में जो मलेरिया के केसेस हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी कम हुए हैं। मलेरिया केसेस कंटिन्यू टू डिप इन इंडिया, यानी कि मलेरिया के केसों में इंडिया में काफ़ी कमी आई है। अगर इंडियन सिनेरियो देखें इसका तो डिक्लाइन इन मलेरिया केस, यानी कि जितने भी मलेरिया केस आए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले उनमें 30% की कमी आई, एंड मलेरिया से जो डेथ्स होती हैं उनमें 2021 के मुकाबले 2022 में 34% की कमी देखी गई थी इंडिया में। क्यों हुआ था ये? तो सरकार द्वारा लिए गए गुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, तो इस दिशा में हमारी जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया था, इस वजह से इस जगह पर इंडिया में सुधार देखने को मिला है। अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करी जाए तो मलेरिया के मामलों में COVID-19 के बाद लगातार वृद्धि देखी गई है। 2022 की बात करी जाए तो 249 मिलियन केस देखे गए हैं, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 5 मिलियन ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं 21 में कितने थे? 244 मिलियन, एंड 2022 में 249 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है पूरे वर्ल्ड में मलेरिया के केसेस में। अगर 2020 में देखी जाए तो ये 2021 में और 2020 में सेम रहे थे, लगभग 244 मिलियन ही। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए तो आप सभी देख सकते हैं 233 मिलियन का आंकड़ा इसने देखा था। आखिर ये बढ़ोतरी क्यों हुई? तो मैंने आपको बताया था कि COVID-19 के दौरान, जब 2019 के बाद 2020 में COVID-19 आया तो उस दौरान मलेरिया के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई थी वर्ल्ड वाइड। अगर सन 2000 की बात की जाए तो 243 मिलियन केसेस देखे गए थे पूरे वर्ल्ड में, तो 2000 से लेकर के 2019 तक 10 मिलियन की कमी देखी गई थी, लेकिन वापस कोविड के बाद इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। मेन कॉज क्या है? तो मेन कॉज इसका क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, एक इंडेक्स निकाली गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा ये इंडेक्स निकाली गई है, जिसमें टोटल 64 जो कंट्रीज थी उनके बारे में ये इंडेक्स जारी की गई थी। फर्स्ट जो टॉप कंट्रीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट रैंक मिली है यूनाइटेड स्टेट्स को, देन नीदरलैंड, सिंगापुर हमारा थर्ड नंबर पर आ जाता है, फोर्थ नंबर पर डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड 49th रैंक इंडिया को मिली है ओवरऑल रैंकिंग, लेकिन अगर एशिया पैसिफिक की बात की जाए तो 14 कंट्रीज में से 12वां स्थान मिला है इस इंडेक्स में इंडिया को, यानी कि डिजिटल जो कॉम्पिटेटिवनेस होती है उसमें इंडिया की स्थिति एशिया पैसिफिक रीजन में भी काफ़ी अच्छी नहीं है। 14 में से 12वां स्थान इंडिया को मिला, जबकि इंडिया एशिया पैसिफिक का एक काफ़ी बड़ा कंट्री है। इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? नॉलेज, टेक्निक एंड फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, इन 3 इंडिकेटर के बेस पर ये इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें इंडिया की स्थिति काफ़ी खराब
देखी जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हरदीप पुरी सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, कहाँ किया गया है, रिसेंटली न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि महुआ जो मिनिस्ट्री है, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में UNIDO बोलते हैं, उन दो इन दो संस्थाओं के द्वारा इसको को होस्ट किया जा रहा है। इनॉग्रेशन मैंने आपको बताया था किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने। क्या मेन एम है इसका, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है उनके उनको बढ़ावा देने के लिए देश में, उनके उनके जो उनका जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था दिल्ली में। कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ, तो आप सभी जानते हैं बायोगैस का निर्माण कैसे होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके द्वारा, तो क्या है वेस्ट टू वेल्थ इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका एक मेन एम हो जाता है। इसके अलावा प्रमोट क्लीन एनर्जी, आप सभी जानते हैं कि बायोगैस ही क्लीन एनर्जी का सोर्स है, तो उस हिसाब से क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी इसका आयोजन किया जा रहा है। अगली एक खबर है हमारी यूपी के रिगार्डिंग, क्या है देख लेते हैं। सिक्स इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है यूपी के वाराणसी में। आप सभी जानते हैं रिसेंटली इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल जो हुआ था उसका आयोजन गोवा में किया गया था, लेकिन अगर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की बात की जाए तो कहाँ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो जो प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, एंड इसके अलावा इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन IIMC, ये संस्थाएं इन दोनों के द्वारा इसको को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टोटल इसमें 44 देशों की 94 फिल्मों को स्क्रीन किया जाएगा, यानी कि दिखाया जाएगा। अगर इसकी डेट देखा जाए कि किस चीज़ को, मतलब एक तरीके से इसकी थीम क्या है या किस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड है, तो कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल डेडिकेटेड है। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन दिया था और उसका जवाब भी मुझे काफ़ी अच्छा एक लड़की ने दिया था। मैंने पूछा था किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो मेन बात तो एक ये हो जाती है आखिर मैनचेस्टर का मतलब क्या है। तो जिस भी एरिया में कॉटन एंड टेक्सटाइल, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी, काफ़ी उसमें बूस्ट देखा जाता है, तो उस एरिया को मैनचेस्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यूके में एक सिटी है मैनचेस्टर, जहाँ पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी, वहाँ पर मतलब कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा उद्योग है, तो उसी के आधार पर इंडिया में भी दो जगहों को मैनचेस्टर नाम दिया गया है। किस किस को? पहला तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडिया का कानपुर, एंड इसके अलावा अगर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर की बात की जाए तो ये बन जाता है कोयम्बटूर। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी उद्योग धंधा माना जाता है, कहाँ पर? कोयम्बटूर में। एंड इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहाँ पर है, तो वो है हमारा कानपुर में, और जो रियल मैनचेस्टर है वो कहाँ पर है, वो पड़ता है यूके में, तो वहाँ पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वो फेमस है, इसलिए उसको उसको बोला जाता है मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद उत्सव का उद्घाटन किया। मेनली इसका मकसद क्या है कि जो आयुर्वेद की फील्ड है उसको बढ़ावा देना, उससे जो डॉक्टर होते हैं उनको उनको अच्छे से उनकी जो स्किल्स है उनको इन्हांस करना, तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? क्या तिरुवनंतपुरम, केरल, बेंगलुरु कर्नाटका, पुणे महाराष्ट्र, या फिर नई दिल्ली? तो ये जो 5वीं वैश्विक ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम
केरल में रिसेंटली किया गया है। किसके द्वारा? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभा में कितने रुपए का अनुपूरक बजट पास किया है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने एक सप्लीमेंट्री बजट निकाला है, कितने रुपए का? तो 28,760 करोड़ रुपए का यूपी गवर्नमेंट ने यह सप्लीमेंट्री बजट निकाला है रिसेंटली असेंबली में। ठीक है, तो यूपी के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर और 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है? यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 84th ग्रैंड मास्टर बनी है, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में महिला के तौर पर ये तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन बनी है? चार नाम है आपके सामने, तारिक सेल्विस, आर वैशाली, कोनेरू हम्पी जी। तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली, और ओवरऑल इनको 84th ग्रैंड मास्टर की रैंक मिली है। तो कौन है आर वैशाली जी, इनके बारे में देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है, एक ग्रैंड मास्टर बने थे आर प्रज्ञानंद जी, छोटा सा बच्चा था। उसी की सिस्टर हैं कौन? आर वैशाली जी, यानी कि ये दोनों भाई बहन अब इंडिया में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं शतरंज की फील्ड में। आखिर वो तीन महिलाएं कौन कौन हैं जिनको इंडिया में ग्रैंड मास्टर की रैंक मिली है? तो पहली थी वीमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कुनेरू हम्पी जी, एंड इसके अलावा सेकेंड वीमेन थी हरिका द्रोणावल्ली, एंड थर्ड अभी रिसेंटली बनी है आर वैशाली। एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है? टोंस गिरी एंड बागेन आर क्या है ये सब? क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना रिवर की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, या फिर यमुना रिवर की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये तीनों नदियाँ? तो इसके बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर ये किस तरह की नदियाँ हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं, और किस तरफ की, दाई ओर की हैं, बाई ओर की हैं। तो इसका जवाब आप कल मुझे बताइएगा, बाकी कल हम इसको क्लास में अगेन डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। अगर कुछ कमी हो क्लास में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।